हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स एक्सरसाइज सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर वन है, चूज द करेक्ट आंसर। थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें से आपको चूज करना है थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। यहाँ पे जंक्शन लिख गया, ये फंक्शंस है या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, अ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। अब आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूज टू डिटरमाइन हीट चेंजेस हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट, यूज टू डिटरमाइन प्रेशर वर्क वॉल्यूम एंड हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। तो आप ये चारों देख लीजिए और चारों में से आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन क्या है। तो थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। किस चीज़ की क्वांटिटी है? वो हमें इंडिपेंडेंट पाथ की क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं हीट चेंजेस, यस आई नो वेरी वेल द थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन। आप लोग बोलते होंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू और क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट? बट हियर व्हाट द क्वेश्चन इज, अ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर टू। इन द क्वेश्चन नंबर टू इट सेज दैट फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज। आपको यहाँ पर करेक्ट कंडीशन पूछ रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा? हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, राइट? तो क्यू इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट? डेफिनेटली राइट। या नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थ्री। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टेट्स स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। तो आपको यहाँ पे इंथैल्पीज डेल्टा एच की वैल्यू बता रहा है कि स्टैंडर्ड स्टेट में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सो यू नो वेरी वेल इन द स्टैंडर्ड स्टेट द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी इज जीरो, राइट? सो द राइट आंसर इज थर्ड वन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर है, इसमें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी जो हम लोग डेल्टा यू, यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज एक्स किलो जूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी इज। यहाँ पर आपको सबसे पहले मीथेन को कंबशन किया गया है। तो नीचे में देख लीजिए, आप एक रिएक्शन बनाया हुआ है CH4+2O2 इज इक्वल टू CO2+2H2। तो ये एक हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आप देख लीजिए 1-3 दैट इज इक्वल टू -2। अब पूछोगे आप कि सर ये 1-2 कहाँ से आया नंबर ऑफ मोल्स, राइट? आप पूछ सकते हो यहाँ पर कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आया। यहाँ पर तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर मीथेन 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल है, उस साइड कार्बन डाइऑक्साइड 1 मॉलिक्यूल और वाटर जो है हमारा 2 मॉलिक्यूल्स है, राइट? आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो हमारा -2 हो जाएगा, और इंथैल्पी जो हम लोग निकालते हैं तो इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा आर टी, डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन आर टी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा डेल्टा यू का वैल्यू तो डेल्टा यू रहेगा और एन आर टी में -2 RT हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि डेल्टा यू डेल्टा एच से बड़ा है, छोटा है, बराबर है या जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंबशन ऑफ मीथेन इज -X kJ/mol। आपको वैल्यू ऑफ इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालना था, तो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी इज लेस देन इंटरनल एनर्जी। क्यों लेस देन इंटरनल एनर्जी? क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो इंथैल्पी का वैल्यूज निकला है डेल्टा यू स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी -2 RT, तो डेफिनेटली है ये इंथैल्पी से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि क्वेश्चन नंबर फोर को किस तरह से हमें डिनोट करना, और इसका राइट आंसर कौन सा होगा जरा आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है थर्ड वन, वहाँ पर दिया गया है इंटरनल एनर्जी, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन इंथैल्पी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है। द एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर 890.3 kJ/mol -393.5 kJ/mol
एंड -285.8 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यहाँ पर सी एच का जो इंथैल्पी है ये सी एच फोर है यहाँ पर. ये जस्ट अ सेकेंड, सी एच फोर है. राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी. यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस चारों में से आपको सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना है रिएक्शन. मीथेन प्लस टू ओ टू, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस टू एच टू ओ. यहाँ पर आप देख लीजिए स्टैंडर्ड हीट इंथैल्पी ऑफ कंबशन दैट इज -890.3 किलो जूल पर मोल. और यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ कंबशन देख लीजिए -393.5 किलो जूल पर मोल. हाइड्रोजन प्लस हाफ ओ टू एच टू ओ एंड दैट इज द इंथैल्पी ऑफ कंबशन -285.8 किलो जूल पर मोल. तो इक्वेशन में आपको सी प्लस टू एच टू दैट इज सी एच फोर. तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है. तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या सब आप करोगे, तो यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन नंबर टू जो आपका है मीथेन प्लस टू कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड. राइट, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर पहले आपको इक्वेशन टू को प्लस करना है और इक्वेशन थ्री को ट्वाइस करना है और उसमें से इक्वेशन वन को माइनस करना है. मतलब हमें सीधा सीधी कार्बन प्लस हाइड्रोजन मीथेन चाहिए. तो मीथेन के फॉर्मेशन के लिए बाकी जो भी चीज़ें दी गई है उस सारे चीज़ों को आपको लिख लेना है पहले, क्योंकि जो जो इंथैल्पीज दिया हुआ है, और उसके बाद इक्वेशन में पुट करके आपको सारा वैल्यूज निकालना है. सी प्लस टू एच टू दैट इज सी एच फोर. यहाँ पर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर मीथेन इज -74.8 किलो जूल पर मोल. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर. अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ. क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी. सी प्लस डी प्लस क्यू, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सी प्लस डी प्लस क्यू दिया हुआ है. एंड दैट प्लस क्यू इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज द रिएक्शन विल बी. चार ऑप्शन है हमारे पास, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर एंड पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर. ये हमारा क्वेश्चन है. आपको बस सीधा सीधे आंसर ढूंढना है कि क्या ये रिएक्शन ए प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी प्लस क्यू जो दिया हुआ है वो जो है हमारा पॉजिटिव एंट्रोपी है, ये कहाँ पर होगा, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, क्या किसी भी टेम्परेचर या किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होगा. इट कैन बी पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर. इसका फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स. अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ. इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम. व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस. ये तो सीधा सीधी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन पे बिठा देना है वैल्यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू की वैल्यू दी है 701 एंड डब्ल्यू की वैल्यू 394. तो वो एनर्जी -394 है. तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, 701 -394 दैट इज 307 किलो जूल पर. याद रखना है खाली, बस दिमाग क्या करना है आपको, बस इतना याद रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो है पॉजिटिव है और डब्ल्यू की वैल्यू निगेटिव होगी. क्यों, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम. के द्वारा जो काम करेंगे तो उसमें हम लोग निगेटिव सिंबल लगाएंगे. तो इसीलिए यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है आपकी 307 किलो जूल पर मोल. ये था हमारा सेवन्थ क्वेश्चन. अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ. क्वेश्चन नंबर एट है हमारा द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड दैट इज NH2Cl विथ डाइऑक्सीजन वॉज कैरिड आउट इन अ बॉम कैलोरीमीटर एंड डेल्टा यू वॉज फाउंड टू बी -742.7 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन. कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन. आपको ये पता करना है यहाँ पर रिएक्शन चेंज फॉर द रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन. ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो इन जो जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख देंगे. डेल्टा यू इज इक्वल टू -742.7 किलो जूल पर मोल. डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 2 - 3/2 दैट इज 1/2 मोल. आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.314 × 10^-3 किलो जूल पर मोल किलो पर जूल.
पर मोल टेम्परेचर 298 केल्विन। अब आ जाइए हमारा जो इक्वेशन है इंथैल्पी, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ इंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, डेल्टा यू की वैल्यू -742.7 किलो जूल पर मोल, एन की वैल्यू हाफ है, आर की वैल्यू 8.314 × 10⁻³ है और टी की वैल्यू 298 है। सारा वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा -741.5 किलो जूल पर मोल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, आपको नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर निकालना है 60 ग्राम एल्युमिनियम को 35 से 55 डिग्री ले जाने में। जो मोलर हीट कैपेसिटी है एल्युमिनियम का 24 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, तो ये आपको निकालना है। जो जो क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिख दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, तो गिवन वेट है 60 ग्राम और एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27, तो 60/27 दैट इज 2.22। मोलर हीट कैपेसिटी दिया है क्वेश्चन में 24 जूल पर मोल पर केल्विन। उसके बाद टेम्परेचर कितना बढ़ाना है हमको, मतलब 55 डिग्री ले जाना, 35 से 55 डिग्री, मतलब 55 - 35 दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस को 20 केल्विन ले लीजिए और 3 अप टू 20 केल्विन मान लीजिए। अब जो हीट इवॉल्व होगा उसका फार्मूला तो आप लोगों को याद होगा, क्यू इज इक्वल टू सी एम टी, डेल्टा एम टी वही होता है, सी एम टी याद है ना आप लोगों को, यस। यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हीट कैपेसिटी 24 जूल, एम की वैल्यू कितनी है 2.22 और टी की वैल्यू 20 केल्विन। सबको मल्टीप्लाई करोगे 1065.6 जूल, दैट इज 1.067, हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग 1.067 किलो जूल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डेल्टा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन है 6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे हीट कैपेसिटी दिया हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर वाटर का 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन और वाटर का कांस्टेंट प्रेशर पे दिया हुआ है 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं। अब सबसे पहले आप देख लीजिए चेंज किस तरह से होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से -10, वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 और वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आप देख रहे हैं हेस लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री और सारा वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस सीधा सीधे हमको वैल्यू पुटअप करना है। कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो है हमारा वैल्यू है 75.3 और कॉन्स्टेंट प्रेशर सॉलिड वाटर के लिए है 36.8। तो अब देख लीजिए यहाँ पर हमें H2 सॉलिडिफिकेशन है तो डेल्टा H1 की वैल्यू है 75.3 दैट इज 753 जूल पर मोल पर क्या पर मोल और डेल्टा H2 है 6.03 दैट इज 6030 - 6030 जूल पर मोल। अब जो है साइन को चेंज करना है हम लोगों को, डेल्टा H3 जो है 36.8 दिया हुआ है तो -368 जूल पर मोल। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा आपको पता ही है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, खाली सिंबल के साथ जो साइन दिया गया है वो साइन को हमें रिप्रेजेंट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे देखना है 753 पॉजिटिव है तो 753 पॉजिटिव में डालेंगे, 6030 माइनस है माइनस में और उसके बाद 368 भी माइनस है। अब 753 में से इतना सबको माइनस करेंगे तो -5645 जूल पर मोल, इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, -5.645 जूल किलो जूल पर मोल, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैसेस। तो जो जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको इक्वेशन बना दीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा दिया हुआ है वैल्यू कंबशन का वैल्यू दिया हुआ है तो -393.5 किलो जूल पर मोल। हीट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन कितना होगा, अब आपको क्वेश्चन में जो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है हीट रिलीज है -393.5
जूल पर मोल। अब आपको फॉर्मेशन के लिए कितना लगेगा, CO2 का जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए कितना लगेगा, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है कंबशन के लिए -393.5 किलो जूल पर मोल, और उसके बाद दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर CO2 का टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 44 हो जाएगा, और गिवन वेट है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 35.2, तो 35.2 अपॉन 44 इंटू 393.5 दैट इज इक्वल टू 314.8 किलो जूल। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इनथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, N2O4 आर -110, -393.81 एंड 9.7 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ इनथैल्पी रिएक्शन फॉर द रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच आर की वैल्यू आपको फाइंड करना है इस रिएक्शन में। इक्वेशन दिया हुआ है हमारा N2O4 प्लस 3CO दैट इज N2O प्लस 3CO2, ये क्वेश्चन है हमारा, और हमको फाइंड करना है इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन, राइट। तो इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको पुट अप कर दीजिए। N2O4 का वैल्यू दिया हुआ है, CO का वैल्यू दिया है, तो CO को वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, उधर N2O का वैल्यू और उधर CO2 के वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 81 प्लस 3 इंटू -393 -9.7 प्लस 3 इंटू -110, ये हो जाएगा 81 -1179, ये हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का 9.7 -330। इस दोनों को आप देखोगे 81 -1179 और -9.7 -330, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा -778 किलो जूल पर मोल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है N2 प्लस 3H2 टू अमोनिया, इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन -92.4 किलो जूल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब जानते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, एक सर्टेन, मतलब सर्टेन या फिर फिक्स बोलिए, इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे सर्टेन हो गया। तो यही स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर अमोनिया गैस जो है, सीधा सीधी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो अमोनिया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो -92.4/2 दैट इज -46.2 किलो जूल पर मोल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, मिथेनॉल प्लस 3/2O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, स्टैंडर्ड इनथैल्पी रिएक्शन दिया हुआ है -726 किलो जूल पर मोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, स्टैंडर्ड इनथैल्पी कंबशन -393 किलो जूल पर मोल, H2 प्लस H2O लिक्विड, स्टैंडर्ड इनथैल्पी फॉर्मेशन 286 किलो जूल पर मोल। आपको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, राइट। जो जो वैल्यूज दिया हुआ है हमको बस वही निकालना है, सी प्लस 2H2O प्लस O2 दैट इज CH3OH, क्योंकि जो जो इक्वेशन में दिया है उसी से हमको मिथेनॉल बनाना है, राइट। तो यहाँ पर जो इक्वेशन में कार्बन का दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है, तो जो जो दिया है और जितना मॉलिक्यूल हमें चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो थर्ड इक्वेशन है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, H2 वाला जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है हमारा, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, राइट। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 1 में ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करोगे सी प्लस 2H2O प्लस 2O2 दैट इज CO2, आपको CO2 प्लस 2H2O मिल जाएगा, इसका स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारा -965 किलो जूल पर मोल। अब जो है हमें इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। जैसे ही माइनस करेंगे CH3OH प्लस 3/2O2 दैट इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O, ये स्टैंडर्ड इनथैल्पी रिएक्शन हमारा -726 किलो जूल पर मोल। अब जैसे माइनस हमने किया सी प्लस 2H2O प्लस O2 दैट इज इक्वल टू CH3OH, यहाँ पर इनथैल्पी फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा -239 किलो जूल पर मोल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, कैलकुलेट द इनथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, कितना इनथैल्पी चेंज होगा। CCl4 गिव्स कार्बन प्लस 4 क्लोरीन, तो यहाँ पर समझ जाओ सीधे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कहने का मतलब ये रिएक्टेंट CCl4 हो गया और प्रोडक्ट C+4Cl हो गया। तो आपको बॉन्ड इनथैल्पी कैलकुलेट करना है, क्लोरीन क्लोरीन का कितना होता है, जैसे याद करो हम लोगों ने पढ़ा था बॉन्ड इनथैल्पी, एटमाइजेशन इनथैल्पी पढ़ा था ना,
बस उसी तरह से आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कार्बन कार्बन का CCl4 का वेपराइजेशन, CCl4 का फॉर्मेशन, CCl4 सी का एटोमाइजेशन और Cl2 का एटोमाइजेशन, सारी एनर्जी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। आपको करना क्या है, इस डेटा को खाली रिप्रेजेंट कर देना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस डेटा को मैंने बस रिप्रेजेंट कर दिया है, ईजिली आपका ये आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, जो डेटा दिया हुआ था हमारा CCl4 लिक्विड से CCl4 गैसियस वेपराइजेशन 30.5 किलो जूल पर मोल, कार्बन प्लस 2 Cl2 CCl4 जो लिक्विड है उसका फॉर्मेशन -135.5 किलो जूल पर मोल, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैसियस एटोमाइजेशन 715 किलो जूल पर मोल और Cl2 से Cl एटोमाइजेशन 242 किलो जूल पर मोल। अब इक्वेशन को CCl4 = C + 4Cl, यहाँ पर हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल देना है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगे, जो वैल्यूज़ हमने निकाला है, जैसे थर्ड इक्वेशन प्लस 2 इंटू इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो हमारा टोटल जो चाहिए इंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस दैट इज़ 1304, मतलब 1304 किलो जूल पर मोल। अब हमको बॉन्ड इंथैल्पी चाहिए, चूँकि 4 क्लोरीन है तो 1304 को 4 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 326 किलो जूल पर मोल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इंटरनल एनर्जी इज 0, व्हाट विल बी द एंट्रोपी। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं होता है वहाँ पे सीधा सीधे, आपको इंटरनल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए 0 है तो आपको एंट्रोपी पूछ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। आप बता सकते हैं क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए? तो इंटरनल एनर्जी 0 ही होगा, और यहाँ पे इसलिए 0 होगा कि एनर्जी का चेंज नहीं होगा सिस्टम से सराउंडिंग में। लेकिन इंट्रॉपी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? इंट्रॉपी यहाँ पर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि 0 से बढ़ा है, इसीलिए। याद कीजिए मैंने बताया था सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज़ ग्रेटर देन 0, और केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल टू 0, एंड फॉर रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बताया था ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज़ ग्रेटर देन 0, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू 0 एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक रिएक्शन है 298 केल्विन पर 2a + b = c, यहाँ पर इंथैल्पी फॉर्मेशन 400 किलो जूल पर मोल, एंट्रोपी चेंज जो है 0.2 किलो जूल पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस कंसिडरिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू बी कॉन्स्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज। तो ये क्वेश्चन है हमारा, अब इसका आंसर हम लोग निकालेंगे एज पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ जो मैंने बताया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ पर डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो टी बराबर हो जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो टी इज इक्वल टू डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 400 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस 0.2 किलो जूल पर मोल, सीधा सीधी 2000 केल्विन हो जाएगा। दस द रिएक्शन विल बी अ स्टेट इक्विलिब्रियम एट 2000 केल्विन एंड इट विल बी स्पॉन्टेनियस अबाउट दिस टेम्परेचर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है 2Cl is Cl2, व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। डेल्टा एच तो निगेटिव ही होगा, क्यों, एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन में तो इसलिए निगेटिव, और डेल्टा एस जो है वो भी निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी डिक्रीज होगा। क्यों, एटम जब कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनने के लिए तो यहाँ पर एंट्रोपी डिक्रीज होगा, इसीलिए डेल्टा एस भी निगेटिव, डेल्टा एच भी निगेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है 2a + b = 2d, जिसमें इंटरनल एनर्जी -10.5 किलो जूल पर मोल और स्टैंडर्ड इंट्रोपी -44.1 किलो जूल पर मोल। आपको गिब्स स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी आपको निकालना है और प्रेडिक्ट करना है वेदर द रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉन स्पॉन्टेनियसली। सीधा सीधे आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू का वैल्यू आपको 10.5 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एन जी हो जाएगा 2 - 3 दैट इज़ 1, क्यों 2 - 3 आपको पता होना चाहिए, देख लीजिए रिएक्शन आपको देखोगे पता चल जाएगा। तो आर का वैल्यू कॉन्स्टेंट है 8.314 × 10⁻³, और टी का वैल्यू 298 केल्विन। अब सीधा सीधे आपको पुटअप कर देना है डेल्टा एच के वैल्यू पर डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, आपका आंसर निकल जाएगा -12.978 किलो जूल पर मोल। अब आ जाइए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी जो आपने निकाला डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी -12.978 माइनस टेम्परेचर की वैल्यू 298 और इंट्रोपी की वैल्यू -0.0441, राइट,
तो ये सबका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.164 किलो जूल पर मोल मिलेगा। यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी वैल्यू इज पॉजिटिव, देयरफॉर द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिवन आर इज इक्वल टू 8.314 किलो जूल पर मोल एंड टेम्परेचर 300 केल्विन। बस फार्मूला पे पुटअप करना है, कुछ नहीं करना है, बस खाली फार्मूला पे पुटअप कर दो। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के या फिर माइनस 2.303 आर टी लॉग के, तो वही वैल्यू है। आर का वैल्यू दिया हुआ है, के टी का वैल्यू दिया हुआ है, बस वैल्यू पुटअप करोगे। डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर है 300 केल्विन। लॉग 10 का वैल्यू पुटअप करोगे, माइनस 5527 जूल पर मोल, दैट इज माइनस 5.527 किलो जूल पर मोल। अब ये है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 21। इसमें आपको कमेंट करना है कि NO और NO2 स्टेबल है या नहीं। तो NO में सीधा सीधी आपको स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी निकालना है, पॉजिटिव इसमें दिया हुआ है जो अनस्टेबल इन नेचर है, और यहाँ पर एक का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है जो स्टेबल इन नेचर है। तो बस यहाँ पर आपको बस इतना ही लिखना है कि ये थर्मोडायनामिक स्टेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो अनस्टेबल, और है तो स्टेबल। तो पहला वाला इक्वेशन अनस्टेबल, दूसरा वाला इक्वेशन स्टेबल। ये हमारा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ H2O इज फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेशन इज माइनस 286 किलो जूल पर मोल। तो आप लोग जानते हैं क्यू रिवर्सिबल का जो होगा माइनस डेल्टा HF, मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया है माइनस 268 किलो जूल पर मोल, इसको जूल में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1000 हो जाएगा। किलो जूल है उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इंट्रॉपी का फॉर्मूला, इंट्रॉपी सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो क्यू रिवर्सिबल का वैल्यू आपको दे दिया है 28,6000/298, डिवाइड करोगे 959 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये था हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन।